जो स्पेसिमेंट पेपर है वहां से मैं लिया हूँ इस बार के स्पेसिमेंट पेपर से जो वेबसाइट पर अपलोडेड है इस वीडियो में हम इसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे देखो फोर मार्क्स का क्वेश्चन है

तो सबसे पहले तो हम उन सारी चीजों को देखेंगे समझेंगे फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे और इसी टाइप्स के और भी काफी सारे क्वेश्चंस आज ही हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आज का जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फुल ऑफ होने वाला है विल बी अ फ्लड ऑफ कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओके दीज नीड टू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन डू सच क्वेश्चन इन बोर्ड्स और स्पेसिमेंट पेपर में दिया हुआ है मतलब तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड्स में डेफिनेटली आएगा तो पूरे फोकस के साथ अगर तुम देखते हो तो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा लेकिन ऊपर ऊपर से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले तो अपने आप को फोकस बनाओ डिसिप्लिन बनाओ एंड पूरे सिंसियरिटी के साथ इस वीडियो को बिना स्किप के हुए एंड तक देखो और जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं उनको नोट डाउन करते जाओ अपने नोटबुक में तुम्हें डेफिनेटली ये सारे न्यूमेरिकल्स

सेल मान लेते हैं सेल का कोई रेजिस्टेंस फिलहाल नहीं है द सेल इज नॉट है पूछू द टोटल सर टोटल रास्ते में है ना एक ही रूट में अगर रेजिस्टेंस हो तो उन्हें हम बोलते हैं कि वो सीरीज में है वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई इफ बोथ ऑफ द रेजिस्टेंटेंस फोर रेजिस्टेंसेस आर इन द सेम पाथ

इट नथिंग बट सम तो क्या हमारा का हो गया? बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इस, इसके बाद हमें जानना है करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से हम निकालेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं अभी बताऊंगा और नीचे का जो फॉर्मूला है पहले उसको देख लेते हैं पैरेलल के केस में हम क्या करते हैं अगर मान लो कि यहाँ पर ये थ्री ओम और ये फाइव ओम पैरेलल में है थ्री ओम एंड फाइव ओम पैरेलल में है फाइव ओम पैरेलल में है और यहाँ पर वही सेल मैंने लगा दिया स्विच को भी ऑन कर दिया ठीक है ठीक है नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट तुम बोलोगे थ्री ओम एंड फाइव ओम तो पैरेलल में कैसे निकालोगे अच्छा दो ये सर्किट ये दोनों रेजिस्टेंस दो अलग अलग रास्तों में वेन करंट स्टार्ट फ्रॉम दिस पाथ इट रीचेस एट पॉइंट पॉइंट ए ए दिस बी द टू पार्थ तो एक पर्टिकुलर रास्ते में थ्री ओम है और दूसरे रास्ते में फाइव ओम है जब दो अलग अलग रास्ते में रेजिस्टेंस हो तो उन दोनों को हम बोलते हैं पैरल कनेक्टेड इन पैरल और पैरल का जो इक्वल रेजिस्टेंस है वो आरपी से डिनोट होता है एंड द वन अपॉन आरपीज वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फाइव मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल को ऐड करो एंड जो आएगा फाइनल आंसर उसको फिर रेसिप्रोकेट कर दो दैट विल बी आरपी तो वन अपॉन थ्री वन अपॉन फाइव तो जितने भी रेजिस्टेंसेस हो तो मान लो कि और भी कुछ है तो उनको भी वन अपॉन करके मतलब रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो

Eight. So that will will give you one point eight seven five oh. Okay. To in this way we will be able to <coughs> solve parallel. parallel and series complete हो गया? बिल्कुल भी नहीं तो ये तो सिर्फ हमने सीखा कि parallel resistance को कैसे सॉल्व करते हैं इक्वीव एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं लेकिन इसके अलावा भी सीरीज एंड पैरल में अब तुम्हें जानना है कि हाउ डू वी फाइंड करेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम सीरीज ऑल्सो तो अभी सबसे पहले तुम स्क्रीन पर देखो मैं एक क्वेश्चन के जरिए तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ सपोज दिस इज अर्किट देर इज अ बैटरी एंड देर इज टू ओम एंड थ्री ओम कनेक्टेड इन सीरीज ऑल राइट एंड दिस बैटरी इज ऑफ

फाइंड द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी तुमसे अगर कोई पूछे वॉट इज द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इसका मतलब ही है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट दूसरा क्वेश्चन क्या है पार्ट टू क्या है चिल्ड्रन पार्ट टू है करेंट इन टू ओम रेजिस्टर और थर्ड क्वेश्चन है

सो so, इसको सॉल्व करोगे तुम्हें आ जाएगा ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फाइव करोगे टू पॉइंट फोर आ गया सो टू पॉइंट फोर एम्पियर यानी यहां पर अगर मैं इस फिगर में करंट को शो करूं तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो है टू पॉइंट फोर एम्पियर दिस टू पॉइंट फोर एम्पियर ओनली पासिस थ्रू दिस टू ओम एंड ऑल्सो द सेम टू पॉइंट फोर एम्पियर पासिस थ्रू दिस थ्री ओम दैट मीन्स द सेम करंट विल फ्लो थ्रू टू ओम एंड दिस थ्री ओम तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का है ना कि करंट फ्लोइंग इन सर्किट वो तो आ गया टू पॉइंट फोर ओम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट वो तो हमारा आ गया टू पॉइंट फोर ओम आई मीन एम्पियर टू पॉइंट फोर एम्पियर ओम नहीं एम्पियर ऑब्वियसली करंट का एम्पियर होता है अच्छा ना अगर पूछे व्हाट इज द करंट इन टू ओम रेजिस्टर वो भी तो उतना ही है करंट फ्लोइंग इन टू ओम No. So so so, तो देखाज में चाहे रजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट ही क्यों ना हो टू ओम था दूसरा थ्री ओम था रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट था लेकिन क्या डिफरेंट करेंट फ्लो किया नहीं द सेम करेंट फ्लोज ईच ऑफ तो क्या हमने कंक्लूड किया same current, ये है है, ना इस का, बहुत को करते हैं, क्योंकि ये बीच का वर्ड है तो एस कैपिटल नहीं होगा द सेम कारंट फ्लोज थ्रू each of the resistors connected in series तो ये तो करंट का बात हो गया हम अगर टोटल करंट निकाल दें तो हमारा सीरीज में जो भी है ना उनको वही करंट मिलेगा हाँ अच्छा अब क्या अब हम बात करेंगे पैरेलल के केस में क्या होता है ध्यान से देखो बहुत बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए मैं कराऊंगा ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है अब मैं वही रेजिस्टेंस है वही हमारे है. देखो टू ओम थ्री ओम लेकिन इस बार उनको मैंने पैरल में कनेक्ट कर दिया और यहां पर हमने लगा दिया स्विच ठीक है एंड दिस इज अगेन ट्वेल्व वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी द क्वेश्चन इज सेम लेट इट बी द सेम क्वेश्चन ओके okay, इस बार सिर्फ फिगर अलग है हालांकि पूछ वही सेम चीज रहा है फाइंड नंबर टोटल करंट इन द सर्किट देखो कितना अलग कॉन्सेप्ट लगेगा कितना इंटरेस्टिंग है टोटल करंट इन द सर्किट बोर्ड का जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए ये सारे बेसिक नॉलेज होना चाहिए तुम्हें तभी कर पाओगे टोटल करंट इन द सर्किट निकालने बोल रहे हैं सर्किट को ना सी के टी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है लेकिन तुम पूरा लिखो सी आई आर सी यू आई टी अच्छा फिर बोल रहे हैं फाइंड करंट इन टू ओम रेजिस्टर, उसके बाद हमें निकालना है करेंट इन थ्री ओम रेजिस्टर अब कैसे करेंगे अब कैसे करेंगे क्या सेम करंट फ्लो करेगा दोनों रेजिस्टर जी नहीं, देखो, टोटल करंट को पहले निकालेंगे मैंने अभी अभी बताया था टोटल करंट निकालने के लिए तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो चलो टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं. लेट टोटल रेजिस्टेंस

तो 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 कितना आ आ गया गया okay, so गया हमारा which is ohm. ये हो गया? Total resistance. हमें निकालना है है अच्छा v का वैल्यू दिया हुआ है, 12 volt. So, total current simply से निकालेंगे आ? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था टोटल करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर वी का वैल्यू ट्वेल्व वोल्ट आर का वैल्यू वन पॉइंट टू यानी सिक्स

पिछले केस में भी वही टू ओम थ्री ओम वोल्ट का बैटरी सिर्फ सीरीज में कनेक्ट करने से करंट कितना कम हो गया और पैरेलल में कनेक्ट करने से सर्किट में करंट कितना ज्यादा हो गया तो ये गौर करने वाली चीज है कि पैरेलल में ज्यादा करंट फ्लो करता है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है क्योंकि देखो जब हमने इसी टू ओम और थ्री ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस सिर्फ वन पॉइंट टू ओम हो गया जो कि जो कॉम्बिने जो, जो

डिक्रीज हो गया ओवरऑल तो करंट इंक्रीज हो गया काफी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पैरेलल और सीरीज के बारे में जानना है अच्छा हम सारी बातों को जो मैं बोल रहा हूं ना लास्ट में एक समरी करके लिखा दूंगा ये सारे कंक्लूजन तुम चिंता मत करो तुम बस अभी सुनो ध्यान से और जितना मैं लिख रहा हूं उतना भी लिखो ठीक है ऑल सो टोटल करंट निकल गया हमारा टेन एम्पियर निकल गया ऑल तो दिस इज वॉट नंबर वन इज टेलिंग नंबर टू में बोल रहा है करंट इन टू एम्पियर तो क्या ये टेन एम्पियर ही फ्लो करेगा टू ओम में करंट इन टू ओम करंट इन टू ओम निकालना है तो so क्या ये टेन एम्पियर टू ओम में फ्लो करेगा जी नहीं वेन करंट वुड रीच एट दिस पॉइंट से पॉइंट ए करंट ये जो टेन एम्पियर करंट है जब ये पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो करंट विल स्प्लिट इन टू टू पार्टस किसी दे टू रास्ते वन पाथ सेकेंड पाथिट इन तो कितना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक जो टोटल करंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो तुम्हें जानना है टेन एम्पियर का कुछ हिस्सा इस टू ओम के थ्रू गुजरेगा एंड 10 एम्पीयर का कुछ हिस्सा कुछ पार्ट इस 3 ओम से गुजरेगा तो किस रेशियो में ये 10 एम्पीयर डिवाइड होगा वो होगा रेजिस्टेंस के उल्टा रेशियो में यस yes. अगर इस ध्यान से सुनो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है अगर इस 2 ओम को तुम r1 मानते हो और इस 3 ओम को r2 मानते हो तो ऑब्वियसली r1:r2 इन दोनों का रेशियो क्या है टू इज थ्री टू ओम टू थ्री टूटी दिख है मान लो वन में आई वन करना है आई वन आई टू तो आई वन इज आई टू का जो रेशियो होगा ना वो टू इज टू थ्री नहीं होगा ये रेजिस्टेंस का उल्टा रेशियो थ्री इज टू टू होगा दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल तो आई वन इस टू आई टू इज थ्री इज टू क्योंकि रेजिस्टेंसिस का रेशियो है टू इज टू थ्री तो करंट का रेशियो थ्री इज टू टू होगा क्यों रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए V इज इक्वल टू आई हमें बताता है कि इफ V इज कॉन्स्टेंट अगर V को हम कॉन्स्टेंट मान ले तो I को नीचे भेजेंगे और V को अगर हम कॉन्स्टेंट मान ले तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होगा ना ऐसे भी जानते ही हो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करेंट डिक्रीज ही होता है तो उल्टा ही होता है ना रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा तो दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है तो कैसे निकालेंगे आई वन को हम थ्री एक्स आई टू को हम टू एक्स मान सकते हैं क्योंकि आई वन टू आई टू इज थ्री टू टू तो टोटल तो करंट क्या हो जाएगा थ्री एक्स आई वन आई टू हमारा टू एक्स एंड टोटल करंट कितना है हमारा टेन एम्पियर क्योंकि i1 plus i2 इज नथिंग बट 10 एंपियर यही 10 एंपियर तो i1 और i2 में डिवाइड किया ना तो टोटल करंट कितना है 10 एंपियर तो 5x is equal to 10 तो हमारा x आ गया 2 5 2 10 x हमारा 2 आ गया अब हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि i1 हमारा 3x था i2 हमारा 2x था तो i1 कितना हो गया चिल्ड्रन i1 हो गया 3 into x मतलब 3 into 2 6 एंपियर i2 कितना हो गया चिल्ड्रन 2 into x दैट मींस 2 into 2 4 एंपियर और देखो 6 4 10 ही होता है यानी 10 एंपियर किस तरह से स्प्लिट हुआ आई वन 6 एंपियर हो गया यानी इधर 2 ओम से कितना करंट फ्लो किया 2 ओम से 6 एंपियर करंट फ्लो किया एंड आई टू 4 एंपियर फ्लो फ्लो किया कितना 3 ओम से ठीक है सो so, टोटल 10 एंपियर इस तरह से डिवाइड हो गया अभी हमें पार्ट 2 में तो निकालना था करंट uh, इन 2 ओम तो लिखेंगे देयरफॉर करंट इन टू ओम टू ओम रजिस्टर इज कौन सा करंट आई वन है ना वही टू ओम में है और वो सिक्स एम्पियर जा रहा है एंड करेंट इन थ्री ओम रजिस्टर इज जिसे हम आई टू बोल रहे हैं वो फोर एम्पियर है तो देख रहे हो सेम करेंट नहीं फ्लो किया पैरल में करेंट डिवाइड हो गया तो क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं चिल्ड्रेन दैट सेम करेंट ब्रादर ऐसे लिखो करेंट डिवाइड द टोटल करेंट द टोटल करंट डिवाइड्स इन पैरल रेजिस्टर्स ओके okay, डिवाइड हो गया करंट टोटल करंट तो सेम करंट फ्लो नहीं किया तो मेन सर्किट का करंट है वो डिवाइड कर गया ओके okay, तो यहां पर हमने दो क्वेश्चन किया सीरीज और पैरेलल में और करंट का नेचर को समझा सीरीज में क्या देखा हमने कि सेम करंट फ्लो करता है थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स इन सीरीज लेकिन यहां डिफरेंट करंट कैन फ्लो थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स इन सीरीज बिकॉज द करंट डिवाइड्स इन सम रेशियो यहां पर किस रेशियो में करंट डिवाइड हुआ टोटल करंट डिवाइड इन द रेशियो विच इज ऑपोजिट टू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस ठीक है क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है सीरीज में या पैरेलल में उसको देखते हैं चलो करंट का तो हो गया फिर से हम वो सेम फिगर को उठाते हैं सेम फिगर लेते हैं ओके टू ओम थ्री ओम टू ओम थ्री ओम और हमारा बैटरी है ट्वेल्व वोल्ट का यहां पर हमने स्विच लगा दिया है ठीक है अगर कोई तो तुमसे पूछे ये सेम फिगर है हा? स्विच ऑन है कैलक्यूलेट द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस करंट नहीं पोटेंशियल डिफरेंस इस बार पोटेंशियल डिफरेंस नंबर वन अक्रॉस टू ओम एंड नंबर टू अक्रॉस थ्री ओम अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस यानी V निकालना है अक्रॉस अक्रॉस ओम ओम एंड देन तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है अलग अलग रेशियो में डिवाइड हो जाता है अगर सेम रेजिस्टेंस है तो सेम रेशियो में डिवाइड होगा फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड होगा हमारे इस केस में टू ओम थ्री ओम है तो डिवाइड हो जाता है तो पिछले केस में क्या देखा सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता द करंट विल फ्लो थ्रू द वन सिंगल पाथ लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिवाइड हो जाएगा किस रेशियो में डिवाइड होगा चलो उसको हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के ही रेशियो में क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर हम पढ़ते हैं तो अगर I कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस का जो रेशियो है उसी रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस भी डिवाइड होगा ठीक है समझ में आ रहा है करंट तो सेम है कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है इस यहां से ओके okay, इस क्वेश्चन में अभी अभी हमने निकाला भी था ना मैं फिर से सॉल्व नहीं कर रहा हूं सेम क्वेश्चन था कितना करंट फ्लो कर रहा है हमने तो निकाला ही था करंट फ्लो कर रहा है टू पॉइंट फोर एम्पियर तो तुम पहले तो करंट निकाल सकते हो कि यहां पर करंट फ्लोइंग तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा करेंट फ्लोइंग इन सर्किट इज टू पॉइंट फोर निकाल लिया मान लो कि नहीं भी निकालोगे तो चलेगा क्योंकि तुम्हें पता है कि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो अगर कांस्टेंट करंट है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हम बोल सकते हैं यानी आर का जो रेशियो है रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी रेशियो होगा ठीक है तो हम क्या कॉन्सेप्ट को लगाते हैं चिल्ड्रेन की रेजिस्टेंस का क्या रेशियो है आर वन इज टू आर टू मान लेते हैं ये आर वन है मान लेते हैं आर टू है आर वन इज टू आर टू इज टू ओम इज थ्री ओम विच इज टू इन थ्री थ्री यहां डिफरेंस होगा उसे हम वी टू बोल, बोल रहे हैं तो दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो है, वो भी सेम होगा रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वली होगा ठीक है तो वी वन को मान लिया टू एक्स वी टू को मान लिया थ्री एक्स

x, x that that means is 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 volt volt. and V2 is 3X, 3 into x ka value add तो will give you 12 only. तो इस तरह से डिवाइड हुआ इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू ओम टू ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V1 का वैल्यू हमने निकाल लिया 4.8 वोल्ट एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस ओम ओम के कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V2, V2 हमने अभी अभी निकाला ये तो V1 था V2 हमने निकाला कितना 7.2, 7.2 वोल्ट तो देखो क्या चीज देखा तुमने कंक्लूजन क्या निकाला की पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है

ओम और अगर मान लो ये भी टू ओम होता तो फिफ्टी फिफ्टी रेशियो में डिवाइड होता लेकिन डिवाइड तो 50%, 50%. तो 12 12 कैसे होता फिर सिक्स ओम सिक्स वोल्ट सिक्स वोल्ट करके डिवाइड हो जाता आधा, आधा आधा ओके अगर दोनों रजिस्टर सेम होते लेकिन डिवाइड तो जरूर होता डिवाइड तो जरूर होताइट होता। right, इसलिए हमने लिखा सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड ओके नाउ पैरेलल में क्या होगा अब हम देखते हैं पैरेलल में अब सेम सर्किट में बना रहा हूं वही टू ओम वही थ्री ओम वही टू ओम वही थ्री ओम हमने लगा दिया एक बैटरी वही ट्वेल्व वोल्ट का एंड वही स्विच तो सब चीज वही 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 है ओके नाउ कैलकुलेट दी पोटेंशियल डिफरेंस नंबर वन अक्रॉस टू ओम अक्रॉस थ्री ओम एंड अक्रॉस वि कॉम्बिनेशन ऑफ टू ओम एंड थ्री ओम सुनो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जब पैरेलल में हम दोनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं दो या तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का मींस 12 वोल्ट दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ओम एंड सिक्स टू ओम एंड थ्री ओम सो टू ओम और थ्री ओम मान लो कि ये पी है ये पॉइंट क्यू है तुम्हें अगर थ्री ओम के ओवरऑल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है चेक करना है तो तुम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बाद में हम इंटरनल रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी करेंगे तो जितना ही ट्वेल्व वोल्ट है मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आज शो कर रहा है अच्छा तो के तो के अक्रॉस 12 वोल्ट है सिर्फ अगर हम 2 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करें से तो भी देखेंगे तो ट्वेल्व वोल्ट ही देखेंगे तो इन तीनों क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है टू ओम के अक्रॉस तो वो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना थ्री ओम के अक्रॉस होगा ओके एंड उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस होगा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं सुनो सुनो तुम्हें अगर किसी ने कहा कि फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू ओम और तुम देख रहे हो कि उस टू ओम के साथ कुछ और रेजिस्टर भी है जो इस पैरल में है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे ना ओवरऑल ओवरऑल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मतलब ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स रेजिस्टेंस निकालोगे और वो कितना निकला था वो वन पॉइंट टू ओम था मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व कैसे आया है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया है ओके okay. तो ओवरऑल रेजिस्टेंस टू ओम और थ्री ओम का वन पॉइंट

इन द सर्किट वो भी हमने निकाल लिया था पिछले क्वेश्चन में मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं करंट टोटल करंट निकाला था टेन एम्पियर निकाला था ना टेन एम्पियर टेन एम्पियर करंट ओके अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू ओम तो अगर टू ओम के ना सर आई तो हमें टेन एम्पियर है एंड आर रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस पुट करेंगे तो बोलोगे सर टू ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस टू ओम के अक्रॉस निकालना है ना पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें आर की जगह टू ओम लिखूंगा तो फिर गलत हो जाएगा मैं बोल रहा हूं कि अगर पैरल में है तो तुम्हें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भी बोले तो तुम्हें पूरा कॉम्बिनेशन का आर पुट करना है पूरा कॉम्बिनेशन का आर कितना है 1.2 देखो पूरा कॉम्बिनेशन निकाला 1.2 पॉइंट टू ओम तो यानी ये 12 वोल्ट आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू ओम क्या आ गया ट्वेल्व वोल्ट सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थ्री ओम भी पूछे तो वीक्वल्स टू आई आर ही लगाओगे लेकिन आर के जगह थ्री ओम नहीं पुट करोगे आर के जगह वन पॉइंट टू कॉम्बिनेशन ही पुट करोगे ट्वेल्व वोल्ट ही आएगा एंड कॉम्बिनेशन तो ये सेकेंड वाला भी निकल गया एंड ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिनेशन अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ओम एंड थ्री ओम इज ऑल्सो ट्वेल्व वोल्ट तो क्या चीज हमने सीखा इस क्वेश्चन से चिल्ड्रेन इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम मतलब इट डज नॉट डिवाइड डज नॉट डिवाइड डज नॉट डिवाइड इन पैरल पैरल रेजिस्टर्स इन पैरल रेजिस्टर्स एंड ऑल्सो वन थिंग वी लर्न दैट इफ यू हैव टू फाइंड दी

सर्किट तो मैं शुरू में ही बोला था काफी कॉन्सेप्स क्वेश्चन होने वाला अभी तो जितने ही अब चीज़ें को हमने पढ़ा एक जिस्ट कर लेता हूं एंड तुम्हें लिख लेना क्या होता है चिल्ड्रेन सीरीज में सबसे पहला पॉइंट करेंट डज नॉट डिवाइड डज नॉट डिवाइड यानी द सेम करेंट

में अभी अभी क्या, solve किया? तरह से किया क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड और किस रेशियो में इन द सेम रेशियो इन द सेम रेशियो एज ऑफ रेजिस्टर्स रेजिस्टर के रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है अच्छा इस के केस में फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं कि करेंट अ रेशियो ऑपोजिट टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है सिंपल है ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया ऑफ रेजिस्टर्स और इस केस में पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस नॉट डिवाइड ओके डिवाइड इसलिए नहीं होता है तो इस वजह से हम क्या करते हैं अगर मुझे इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो पैरेलल में तो हम आर का वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू को लेते हैं नाउ ओनली वी हैव हैव वी वी सॉल्वड इट ओके इन दिस केस टू ओम के अक्रॉस भी अगर पीडी निकालने के लिए बोला तो हमने यहां टू नहीं पुट किया आर के जगह हमने ओवरऑल रेजिस्टेंस जो निकाला सॉल्व करके वन पॉइंट टू ओम उसको पुट किया ये चीज मैं बार बार बता रहा हूं ध्यान सुनो। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या मैंने देखा क्या मैंने तुम को अभी बताया कि सीरीज़ में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इंक्रीजेस देखो अभी अभी ये क्वेश्चन किया था ना ये अभी अभी तो ये भी बताया था कि सीरीज में टू ओम और थ्री ओम मिलकर फाइव ओम बन गया मतलब इंक्रीज हो गया टू से भी ज्यादा फाइव थ्री से भी ज्यादा फाइव लेकिन पैरल में टू ओम और थ्री ओम मिलकर वन पॉइंट टू ओम बना मतलब कि टू ओम से भी कम वन पॉइंट टू थ्री ओम से भी कम वन पॉइंट टू ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया पैरल में तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस डिक्रीजेस इसी वजह से सीरीज में करंट अगर इक्वल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है सीरीज में तो करंट डिक्रीजेस करंट बिकम्स लेस कंपैरेटिवली करंट इंक्रीजेस करंट विल जो चीज है ना काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये जो चार पॉइंट हमने अभी अभी डिस्कस किया है ओके okay. तो अब हम बात करेंगे वो टर्म है इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा टर्म है चिल्ड्रेन नेक्स्ट टर्म दैट वी अंडरस्टैंड इंटरनल रेजिस्टेंस टर्म है इसमें है नहीं बहुत बट दल का रेजिस्टेंस या फिर बैटरी जो हम यूज करें उसका रेजिस्टेंस अगर तुम्हारे पास ऐसे टू ओम है और ऐसे थ्री ओम है और तुम हमारा जो बैटरी है अभी तक के बैटरी में तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं की थी मान लो ट्वेल्व वोल्ट का बैटरी है लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वन ओम है स्विच ऑन किया मैं तुमसे पूछ रहा हूं वॉट इज टोटल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा कि जो जितना भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस जो इस सेल का रेजिस्टेंस है, दोनों को ऐड करके ही बताना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितना है टोटल टोटल सिक्स ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का रेजिस्टेंस उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे सामने है टोटल रेजिस्टेंस इज आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ओके नाउ टू अंडरस्टैंड ई एम एफ टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप तीन चीजों को हमें समझना है तो देखो बहुत ही सिंपल वे में तुम्हें ये तीन चीज मैं बता देता हूं तीनों ही होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ही क्या होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ओके पोटेंशियल डिफरेंस के तीन अलग अलग फॉर्म्स हैं. पोटेंशियल डिफरेंस का एक रूप को हम बोलते हैं ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दूसरा रूप को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज और तीसरा इसका एक फॉर्म है उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप तीनों का सिंबल है ईएमएफ का सिंबल होता है एप्सिलॉन ओके okay, ये ई e नहीं होता है इसे बोलते हैं एप्सिलॉन ठीक है टर्मिनल वोल्टेज का जो सिंबल होता है वो कैपिटल वी होता है कैपिटल वी होता है एंड वोल्टेज ड्रॉप का सिंबल स्मॉल होता होता है, v होता है, स्मॉल okay. ओके, तो जब हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टोटल रेजिस्टेंस यानी किसकी बात हम कर रहे हैं आर प्लस आर टोटल रेजिस्टेंस का मतलब कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर दोनों को मिलकर टोटल रेजिस्टेंस होता है यहीं पे अभी किया था आर प्लसिडर्ड ओकेज हम कैलकुलेट करेंगे ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर इज टू बी कंसिडर्ड लेकिन वोल्टेज ड्रॉप केस में

EMF का भी टर्मिनल वोल्टेज का भी वोल्टेज ड्रॉप का भी तीनों का हम डिराइव कर सकते हैं v, अब हम पहले EMF का करते हैं तो EMF के केस में हमारा पोटेंशियल तो हम डिफरेंस मतलब तो जब हम ई एम एफ की बात करेंगे तो दिस V विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एपसाइलन इज पोटेंशियल डिफरेंस ओनलीफ

हम क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई इन टू स्मर मीन वोल्टेज ड्रॉप प्लस वोल्टेज ड्रॉप तो तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रहा है काफी इंपॉर्टेंट है कि ई एम एफ इज द सम ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज एक्चुअली दिस तो हमेशा ज्यादा होगा है ना टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होगा क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप होकर ई हुआ है तो इससे एक चीज तो हमें पता चल रहा है कि ई एम एफ इज ऑलवेज मोर देन टर्मिनल वोल्टेज लेकिन जब बैटरी यूज में हो तभी वोल्टेज ड्रॉप आएगा वोल्टेज ड्रॉप कभी हो नहीं सकता अगर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग वोल्टेज ड्रॉप विल बी जीरो वोल्टेज ड्रॉप विल भी जीरो इफ नो करेंट इज फ्लोइंग कभी वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप अगर होगा ही नहीं करेंट तो फ्लो तो फिर हम क्या बोल सकते हैं ई एम एफ इज इक्वल वोल्टेज लेकिन अगर करंट फ्लो कर रहा है तब ई एम एफ विल बी ग्रेटर दैन टर्मिनल वोल्टेज वेन करेंट फ्लोज इन द सर्किट मीन्स वेन सेल इज इन यूज दैट इज वैन सेल इज

और उस, उसका मतलब वेन नो करेंट इज फ्लोइंग नहीं है तब ई एम एफ और टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होगा ये चीज़ क्लियर हो गया अब एक चीज देख लो यहां पर हम जब ई एम एफ निकाल रहे हैं ना तो तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस स्मॉलर एंड कैपिटल आर कंसिडर करना पड़ रहा है यानी तुम्हें पूरा कंप्लीट सर्किट को कंसिडर करना पड़ रहा है कंसिडर करना पड़ा कंप्लीट सर्किट को स्मॉल आर मतलब रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल सेल के अंदर का रेजिस्टेंस एंड कैपिटल आर मींस द रेजिस्टेंस आउटसाइड सेल आउटसाइड द सेल यानी ईएमएफ ज सिर्फ एक्सटर्नल और वोल्टेज ड्रॉप में ओनली इन साइड द सेल ओके ना यू सी द डिफर बिट्वीन ई एम एफ एंड टर्मिनल वोल्टेज देखो अब हम यहां पर डिफरेंसेस को देखता है ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज क्या लिखा हुआ है ईएमएफ में देखो ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द कंप्लीट सर्किट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल कंप्लीट सर्किट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल मैंने अभी भी बताया कि कैपिटल आर डिनोट्स आउटसाइड द सेल स्म इन साइड द सेल तो पूरा मिलकर होता है EMF. EMF के में हमें आर प्लस आर लेना होता है टर्मिनल वोल्टेज में क्या है इट इज दर्क इन मूविंग चार्ज इन दर्किट आउट साइड द सेल यानी सिर्फ कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेता है सेकेंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इस पॉइंट को समझो कि ई एम एफ डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे जो इस पॉइंट को तुम्हें और क्लैरिफाई करेगा क्या कहा जा रहा है EMF, कितना करंट ड्रॉ हो रहा है सर्किट से उस पर डिपेंड नहीं करता ई एम एफ सेम रहता है कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल ओके okay, करंट अलग अलग होगा एक ही सेल से अलग अलग करंट ड्रॉ किया जा रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज भी अलग अलग होगा एंड अलग-अलग करंट कैसे ड्रॉ करेंगे क्योंकि अलग-अलग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा मोर करंट ड्रॉन मोर लेस इज द टर्मिनल वोल्टेज आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट सेकंड पॉइंट विल बी मोर क्लियर वेन वी डू दिस न्यूमेरिकल ओके हम एक न्यूमेरिकल करेंगे कहा गया न्यूमेरिकल

नहीं होगा जब सेल यूज ही नहीं हो रहा है तो दो टर्मिनल वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज एंड विल बी सेम अच्छा एक्सप्लेन भी किया था यूनिट क्या होगा चिल्ड्रेन कई बच्चे ना कंफ्यूज कर जाता है बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो जरूर इसका यूनिट भी फोर्स का यूनिट होगा बिल्कुल भी नहीं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम भले है लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है न्यूटन नहीं है इसका यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है न्यूटन नहीं है मैंने यहां पे क्लियरली बोल दिया है कि ई एम एफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी ई एम एफ का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज का भी वोल्ट होता है और वोल्टेज ड्रॉप का भी वोल्ट ही होता है तो गलती से भी ईएमएफ का यूनिट न्यूटन मत बोलना ये सोचकर कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स है नहीं सी हॉर्स कोई हॉर्स नहीं है कोलगेट कोई गेट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कोई सिटी नहीं है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है ठीक है ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए ईएमएफ का एसआई यूनिट वोल्ट होता है यू कैन हैव एमसीक्यू क्वेश्चन इन योर एग्जाम व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑप्शन 1

this V stands for terminal voltage is equal to I R and this small V stands for voltage drop is equal to I into small R. Clear है ये चारों formulas एकदम बिंदास clear हो गया. अच्छा इस MCQ type question को अभी हम लोग करेंगे. In series combination of resistances, series में जब दो resistance को तुमने series में combine किया, potential difference is same across each resistance. मैंने अभी अभी क्या मंत्र दिया चिल्ड्रेन तुम लोगों को कि series में potential difference

टोटल रेजिस्टेंस इज रेड्यूस्ड जी नहीं सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है मैंने अभी भी बताया करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस जी हाँ सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है ऑप्शन सी करेक्ट है, इन पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस PD is same each जी हाँ, मैंने अभी भी बताया किल डिड नहीं होता resistance. Resistance जी, नहीं. में, हो जाता है ऑप्शन सी क्यों गलत है करेंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस जी नहीं पैरल में करेंट इज डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस हो सकता है डिफरेंट करेंट देखो अभी अभी यह क्वेश्चन भी किया ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन द टू रेजिस्टेंस टू ओम एंड थ्री ओम डिफरेंट करंट

ऑप्शन डी में देखो वन ओम एंड दिस वन ओम आर इन सीरीज मींस दिस ओम एंड नीचे का रास्ते में भी नीचे पाथ में भी ओम ओम एंड आर देखा जाए कि टू ओम और टू ओम दो अलग अलग रास्तों में आंसर होगा ए डी दे आर सिमिलर ए एंड डी आर सिमिलर क्लियर हो गया इसको मैं यहां टिक कर देता हूं जो करेक्ट आंसर है ए एंड डी ठीक है एकदम तुम्हें एग्जाम में टिक तो नहीं करना है तुम्हें लिखना पड़ेगा ऐसे आंसर जो भी है वन एंड सी लिखना पड़ेगा ओके यू डोंट हैव टू टिक गलती से भी टिक मत करना ऑल राइट right, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं देखो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया इट विल मेक यू मेक यूर कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट

एक सेल है सेल एक ही है वही सेल जब हम उसे कनेक्ट करते हैं फाइव ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो हमें कितना करंट मिलता है तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल तो ई चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉइंट टू ने ही बताया था कि ई एम एफ इज अरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सेल इस सेल का जो ई एम एफ है वो चेंज नहीं होगा अलग अलग करंट भले फ्लो करे कभी टू एमपीय करंट फ्लो किया कभी वन पॉइंट टू एमपीय फ्लो किया तो अलग अलग करंट फ्लो किया अलग अलग रेजिस्टेंस था इसलिए दोनों केस में लेकिन विल विल रिमेन रिमेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ओके सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन केस वन एंड केस टू दो अलग अलग केस हैं दो अलग अलग केस को हम लोग अलग अलग कॉलम्स में लिखेंगे या फिर लास्ट में हम ईएमएफ को इक्वेट कर देंगे दोनों का ईएमएफ क्योंकि ईएमएफ अनचेंज रहता है

आर ही होगा वो भी हमें नहीं पता निकालना है तो दोनों केस में जो ई एम एफ है उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा आई आर प्लस आर ई एम एफ के जगह हम एपैल ही लिखेंगे स्मॉल आर हमें नहीं पता तो स्मॉल आर लिख दिया दिस इज इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली यहां पर भी एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आर ई एम एफ का फॉर्मूला लगा दिया आई के प्लेस पे वन पॉइंट टू दोनों प्लस वन पॉइंट टू आर अब टू आर माइनस वन पॉइंट टू आर टू टेन एट माइनस टेन जीरो पर भी जीरो पॉइंट एट तो आर का वैल्यू कितना आ गया चल रहा मैं नीचे लिखता हूँ आर का वैल्यू वन ओम आ गया स्मॉल आर का वैल्यू जीरो पॉइंट एट जीरो वन ओम तो small R का वैल्यू हमें आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम, लेकिन हमें ईएमएफ भी निकालना है। तो पुटिंग या सब्सटिट्यूटिंग R is equal to 1 ओम इन इक्वेशन one, इक्वेशन one. one या two में पुट करूँ करेंगे तो हमें ईएमएफ भी आ जाएगा two into five plus R, R का वैल्यू one आ गया, यानी two into six, यानी six two से twelve volt, तो आ गया therefore ईएमएफ ऑफ द सेल साइलेंट इज वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस तो पहले ही आ गया था सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल इज ओम हो गया बल्ले बल्ले कितना इजी है और ये क्वेश्चन तुम्हें वो पॉइंट क्लियर किया कि दोनों केस में करंट अलग अलग था टू एम्पियर था दूसरे केस में वन पॉइंट टू एम्पियर था अलग अलग रेजिस्टेंस था लेकिन क्या सेम था ईएमएफ सेम था वही सेम ईएमएफ था ट्वेल्व वोल्ट उस सेल का ईएमएफ और वो अनचेंज रहा तो एम एफ इज सेल इट नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करेंट ड्रॉन फ्रॉम द द सेल बट टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ करंट इन दोनों केस में अगर हम टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे ना तो अलग अलग आएगा यहां तो निकालने बोला नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि मैं केस वन का टर्मिनल वोल्टेज निकालता हूं तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई इन टू कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस

connected in series with an ammeter of resistance 0.7 ohm so yahan par ek ammeter hai ammeter ka resistance hai 0.7 ohm ammeter ka resistance ko hum external resistance mein consider karenge kyunki internal resistance ka matlab sirf cell ya battery ka resistance that's it Cell या battery के resistance के अलावा जितने भी resistance है वो सारे external resistance है ठीक है तो 0.7 ओम इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर ऑफ 4.5 ओम तो दैट इज आल्सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मींस कैपिटल आर इज दिस वन प्लस दिस वन 4.5 प्लस 0.7 तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 5.2 है तो so, यहाँ पर ये निकाल लेते हैं हम uh, ई एम एफ दिया हुआ है वन पॉइंट एट वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है टू ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन ओम प्लस फोर पॉइंट फाइव ओम तो ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया फाइव पॉइंट टू ओम और राइट अब हम क्या हमें निकालना है वॉट वुड बी द रीडिंग ऑफ द दमीटर देखो हमने अभी अभी जो भी वैल्यूज लिखा है ये सारे गिवेन वैल्यूज है ये सारे यहाँ गिवन थे ई दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है सेल का स्मॉल आर टू होम और कैपिटल हमने निकाल लिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है इसलिए सिंपली ऐड कर दिया अगर पैरेलल में होता तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ता ये दोनों सीरीज में जीरो पॉइंट सेवन होम और फोर पॉइंट फाइव होमने सिंपली ऐड कर दिया फाइव पॉइंट टू होम हमें वॉट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर रीडिंग ऑफ एमीटर का मतलब ये है करंट निकालो क्योंकि एमीटर क्या रीड करता है करंट को रीड करता है मैं यहां लिख रहा हूं तो रीडिंग ऑफ

तो आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द सेम इक्वेशन इज ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर तो एम एफ कितना है छोटा कितना है तो तो डिवाइडेड दिस विल इज द रीडिंग ऑफ एमीटर ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दर्मिनल दिल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिन ऑफ द सेल का मतलब ही होता है टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दर्मिनल्स ऑफ द सेल का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज इस बात को ध्यान से सुन लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दर्मिनल्स ऑफ द सेल का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज तो हमें यहाँ टर्मिनल वोल्टेज निकालना है टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो मैं बता चुका हूं उसका सिंबल तो वी होता है और उसमें सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंसिडर करना पड़ता है करंट तुमने ऑलरेडी निकाल लिया है और तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कितना है फाइव पॉइंट टू तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं चलो एंड दिस विल गिव यूंट थ्री एम्पियर सॉरी वन पॉइंट थ्री वोल्ट वोल्टेज है तो वोल्ट होगा ना करंट थोड़ी है 1.3 वोल्ट गलती से एंपियर बोल दिया था ऑल राइट वेरी सिंपल क्वेश्चन आई होप यू हैव अंडरस्टूड तो ईएमएफ से कम है वो भी चीज यहाँ दिख रहा है तुमको ईएमएफ था 1.8 टर्मिनल वोल्टेज है 1.3 तो ये चीज वैलिड होगा ना कि ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगा टर्मिनल वोल्टेज से व्हेन द सेल इज इन यूज वेल नाउ यू सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल

इस रास्ते से जाएगा कुछ करंट इस रास्ते से जाएगा सो इन फर्स्ट पाथ तुम्हें कौन कौन से रेजिस्टेंस मिल फर्स्ट रोड सीरीज में होता है यानी ये जो दोनों में है, और नीचे के रास्ते में एक है. तो ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व एंड नीचे हमारे ये तो हम पैर अगर हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वन बाई ट्वेल्व क्योंकि पैरेलल में है इसलिए पैरेलल सर्किट में क्या करते हैं ट्वेल्व इज द एलसीएम तो यहां पर ये हो जाएगा थ्री अपॉन ट्वेल्व डोन्ट लीव द आंसर डोन्ट फोर ट्वेल्व बाई थ्री यानी फोर फोर ओम इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कुछ भी नाम से टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो दैट इज फॉर ओम राइट नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी आर यू रेडी चिल्ड्रेन आर यू रेडी आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग दिस तुम्हें हेल्पफुल लग रहा है यू सी थ्री रेजिस्टर्स Eight ohm, twelve ohm, and six ohm are connected to a twelve volt battery, as shown in the figure. Here, this six erased. This is six ohm. Okay. So here in the figure shows twelve ohm, six ohm, and this eight ohm. They are connected in this battery, and the battery has potential difference of twelve volt. Now, nothing has been said about.

उसे दिया हुआ नहीं है स्मॉल आर की वैल्यू क्वेश्चन में ऑल राइट बैटरी का स्पेलिंग टी टी ई आर वाई होगा यहां करेक्ट करें ओके नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है करंट थ्रू एट ओम रेजिस्टर तो देखो करंट थ्रू एट ओम मतलब ये जो एट ओम में कितना करंट फ्लो करेगा तो यहां से जो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस सेल से जो भी करंट वो हम निकालेंगे करंट थ्रू द सर्किट वही सेम आई इस एट ओम में भी एंटर करेगा सेम आई तो टोटल करंट जो आई होगा सर्किट का जो करंट है दैट इज द करंट दैट विल फ्लो थ्रू एट ओम इज एंड इट वेरी सिंपल क्योंकि यहां से कर, कहीं पे भी रास्ते डिवाइड नहीं हो रहे हैं. ये रास्ते कहीं डिवाइड हो रहे हैं करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट हुआ वही एक ही रास्ता है उसी रास्ते में एट ओम मिला हाँ <coughs> ये जो पॉइंट है पॉइंट ए वो करंट जब पॉइंट ए पर आएगा तब जरूर वो दो अलग अलग रास्तों में डिवाइड होगा पॉइंट ए पर डिवाइड होगा लेकिन एट ओम से जब गुजर रहा है तब तो उसने बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया है अपने आप को तो द सेम करेंट मीन द करेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज द करेंट तो पहले हम सर्किट में कितना करंट है वो निकालते हैं दैट विल बी द करंट थ्रू ओम रेजिस्टर राइट तो यहां पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस आर को निकालते हैं आर को निकालते हैं अच्छा टोटल रेजिस्टेंस आर को निकालने से पहले मुझे ये ट्वेल्व ओम और सिक्स ओम का जो पैरल है वो पहले निकालना पड़ेगा और फिर उसको इस एट के साथ एड कर देना पड़ेगा तो सबसे पहले तो हमें ट्वेल्व ओम और सिक्स ओम के पैरल कॉम्बिनेशन को निकालते हैं लेट आर पी बी स्टेटमेंट लिखना चाहिए तुम्हें इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन

ये तुम समझ हो ना कि आर पी जो है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस वो है फोर ओम है अब ये जो फोर ओम है और ये एट ओम है ये दोनों तो सीरीज में हो गया अब इस चीज को तुम समझो कि सिर्फ फोर ओम है इस फिगर को तुम ऐसे सिंप्लीफाई करके सोच सकते हो ये पूरा फिगर को यहां पर स्विच है ये सेम फिगर यहां पर एट ओम है और अब ये जो ट्वेल्व और सिक्स है इसको हम यहाँ फोर ओम लिख सकते हैं क्योंकि okay, हमने निकाल लिया कि 12 और 6 फोर ओम है अब ये 8 ओम और फोर ओम तो सीरीज में दैट मींस प्लस फोर करेंगे तो हमें टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस मैं यहां पे लिखता हूं साइड में नीचे लिखूं नीचे लिखता हूं टोटल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस R कैपिटल रेजिस्टेंस R इज 4 8 12

क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है चल रहे हैं? 12 वोल्ट 12 वोल्ट आई हमें निकालना है करंट इन द सर्किट कैपिटल आर कितना आ गया 12 तो करंट इज 12 और 12 कट गया 1 एंपियर यानी ये चीज क्लियर हो गया कि इस सेल से 1 एंपियर करंट निकल रहा है हाउ मच करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल पूछे तो तुम बोलो 1 एंपियर एंड दिस 1 एंपियर इज द करंट दैट वुड आल्सो फ्लो थ्रू दिस एट ओम रजिस्टर ऑल्सो विल एट बी ए डिफरेंट करेंट बिल्कुल भी नहीं वही वन एम्पियर करेंट विल फ्लो फ्रॉम एट ओम रजिस्टर तो हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा करेंट थ्रू एट ओम रजिस्टर करेंट थ्रू एट ओम रजिस्टर दैट इज वन एम्पियर ओनली ठीक है सेम आगे क्या बोल रहे हैं

हाँ, इस क्वेश्चन अभी, अभी, क्या यूज किया तुमने कौन सा आर यूज किया वो वी निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या तुमने टू ओम के अक्रॉस निकालने के लिए सिर्फ आर का वैल्यू टू लिया था नहीं तुमने कॉम्बिनेशन लिया था तो कॉम्बिनेशन का पूछे या इंडिविजुअल ऑफ डीप पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूछे इंडिविजुअल रेजिस्टर का तुम्हें कॉम्बिनेशन तुम्हें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लेना पड़ेगा uh, उस पैरेलल पार्ट में तो इधर भी हमें इस क्वेश्चन में भी हमें 6 ओम और 12 ओम के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा तुम्हें कौन सा आर लोगे तुम्हें 4 ओम लेना पड़ेगा एज़ द आर कॉम्बिनेशन क्या है 12 और 6 का मिलकर क्या बना 4 ओम फोर ओम लेना पड़ेगा सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो हमें निकालना है पार्ट बी में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ट्वेल्व ओम एंड सिक्स ओम एंड सिक्स ओम तो वो जो वी निकालना है फॉर्मूला तो वही है आर अब बहुत ही केयरफुल हमें आर का वैल्यू पुट करना है करंट तो कितना फ्लो कर रहा है इस कॉम्बिनेशन के थ्रू करंट भले डिवाइड हो गया है ये जो वन एम्पियर है वो कुछ पार्ट ट्वेल्व ओम में चला गया और इस वन एम्पियर का कुछ पार्ट सिक्स में चला गया लेकिन टोटल जो एंटर किया इस में वो तो 1 ही हुआ ना जितना करंट ट्वेल्व ओम में है और जितना करंट सिक्स ओम में उन दोनों का एडिशन करेंगे तो वन एम्पियर ही होगा तो वन एम्पियर इज एंटरिंग इनटू द एंटायर कॉम्बिनेशन इसलिए करंट में हम वन एम्पियर लेंगे और आर में हम 12 एंड 6 का कॉम्बिनेशन लेंगे जो कि हमने 4 ओम निकाल ही लिया था तो 4 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 एंड 6 ओम अच्छा मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस ओनली अक्रॉस 12 ओम तब भी तुम 4 वोल्ट ही बोलोगे वो न्यूमेरिकल मैं अभी अभी किया था या फिर मैं तुमसे पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम तब भी तुम फोर वोल्ट ही बोलोगे और अगर मैं तुमसे पूछू क्लियर है इसमें कोई भी डाउट की गुंजाइश तो नहीं है बहुत ही इजी सा सा सिंपल क्वेश्चन है ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंट थ्रू सिक्स ओम रजिस्टर तुम्हें ये जो सिक्स ओम रजिस्टर दिख रहा है इसमें कितना करंट जा रहा है तो मैंने ये क्वेश्चन अभी भी बताया था देखो पीछे देखो तुम्हें समझ में आएगा किस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल वैसा कि पैरेलल में अगर तुम्हें करंट निकालना हो ये देखो टू ओम और थ्री ओम पैरेलल था और ये जो टेन ओम यहां पे जाके डिवाइड हुआ और वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ रेजिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में तो टोटल करंट जो एंटर हो रहा है वो डिवाइड होगा किस रेशियो में रेजिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में तो यहां पर टोटल करंट कितना एंटर हो रहा है वन एम्पियर एंटर हो रहा है और वो डिवाइड होगा किस रेशियो में ट्वेल्व टू सिक्स नहीं सिक्स इज टू ट्वेल्व क्योंकि रेजिस्टर का रेशियो है ट्वेल्व इज टू सिक्स तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा सिक्स इज टू ट्वेल्व उल्टा रेशियो ओके तो यहां पर आई वन इज टू आई टू तो हम ऐसे बोल सकते हैं लेट करंट एंटरिंग लेट करंट एंटरिंग सिक्स ओम बी i2 या i1 जो भी सिंबल दो i' बोल सकते हो उसको भी i' एंड i' इज इक्वल टू कितना करंट उस वही रेशियो वाले फॉर्मूला से टोटल करंट है 1 एंपियर लेकिन उसका कितना पार्ट्स 12 पार्ट्स 12 पार्ट्स 6 पार्ट नहीं क्योंकि 6 ओम में हम 12 पार्ट्स लेंगे उल्टा रेशियो 12 पार्ट्स आउट ऑफ 18 पार्ट्स 12 प्लस 6 इज 18 सो रेशियो ऐसे करते हैं 12 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल

तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो और ज्यादा होना चाहिए इफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस हैज डिक्रीज्ड दैट मींस द रेजिस्टेंस व्हिच आई हैव कनेक्टेड विद 15 ओम हैज बीन कनेक्टेड इन पैरेलल क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने से ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है डिक्रीज हो जाता है ओके लेट एक्स ओम बी कनेक्टेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू फिफ्टीन ओम इन पैरेलल इन पैरेलल पैरेलल में कनेक्ट किया

वेरी इंपॉर्टेंट वेरी कॉन्सेप्शुअल क्वेश्चन क्लियर होगा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए बोर्ड्स में तुम कर सकते हो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे स्पेसिमेंट पेपर में ये जो स्पेसिमेंट पेपर का क्वेश्चन ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे तो पहले इसको देख लेते हैं टू रेजिस्टर्स टू रेजिस्टर्स फोर ओम एंड सिक्स कनेक्टेड इन पैरल तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से होगा फोर एंड सिक्स ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरल तो मैं पहले ना एक डायग्राम बना लेता हूं यहां पर है हमारा फोर ओम यहाँ पर है हमारा six ohm. Parallel में कनेक्ट कर दिया एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी सिक्स वोल्ट ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मीनस इस बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है हमने सिक्स वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट किया ओके okay, इस बैटरी का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और स्विच यहां पे स्विच ऑन कर दिया तो स्मॉल आर मतलब जीरो है कोई टेंशन नहीं है स्मॉल आर हमें जीरो मान लेंगे अच्छा कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट दिस इज द फिगर फिगर तो हमें बनाना था ड्रॉ द सर्किट डायग्राम हमने बना लिया टोटल क्या निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट वेरी सिंपल टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे वो निकालेंगे कैसे वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई फोर प्लस वन बाई सिक्स क्योंकि दोनों पैरल में तो हमारा जो एलसीएम है ट्वेंटी फोर नहीं ट्री प्लस टू फाइव बाई ट्वेल्व उल्टा करने मतलब भूलना उल्टा करने मत भूलना तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा मैं नीचे लिखू मैं नीचे लिखता हूँ आर का वैल्यू हो जाएगा टाइव विच इज टू पॉइंट फोर ओम तो हमारा हमारा नहीं इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया टू पॉइंट फोर ओम अब क्या बोल रहा है करंट थ्रू द बैटरी निकालो करंट थ्रू द बैटरी का मतलब ही है कि बैटरी से कितना करंट निकलेगा ये आई तो करंट थ्रू द बैटरी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ई एम एफ इज इक्वल टू आई आर प्लस आर स्मॉल आर तो जीरो है क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है इग्नोर कर दो इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला भी नहीं है तो भी हम उसे मान लेंगे. तो r को अगर लिखूंगा ही नहीं तो इक्वल्स टू आर हो जाएगा EMF दिया हुआ है वोल्ट निकल गया नहीं आई तो निकालना है हमें एंड आर का वैल्यू हमें निकल गया टू पॉइंट फोर तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन I का वैल्यू हो जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फोर इसको सॉल्व करते हैं चिल्ड्रेन एंड इसको सॉल्व करने से हमारा टू पॉइंट फाइव आएगा टू पॉइंट फाइव एम्पियर करंट आ जाएगा यानी हमारे सर्किट में टोटल करंट कितना ड्रॉ हो रहा है टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है टू पॉइंट फाइव यानी ये जो आई ये जो करंट निकल रहा है ना ये करंट है टू पॉइंट फाइव एम्पियर अब आगे क्या पूछा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर ओके ये जो आई करंट है इस पॉइंट पर गया आई करंट

क्या मैंने बोला मान लेते हैं आई वन करेंट एंटर्स इन दिस पाथ ओम इज वे तो आई वन आई टू का क्या रेशियो होगा फोर इज टू सिक्स नहीं वो तो रेजिस्टेंस का रेशियो उसका उल्टा रेशियो यानी सिक्स इज टू फोर तो तुम्हें अगर निकालना है करेंट इन फोर ओम यानी आई वन तो क्या करोगे फोर पार्ट आउट ऑफ टोटल पार्ट कितना है आई वन निकाल रहे हो तो तुम्हें सिक्स लेना पड़ेगा ना आई वन निकाल रहे हो तो सिक्स पार्ट ऑफ टेन देखो फोर ओम में कितना जा रहा है उसके लिए तुमने यहां नहीं लिखा लिखा उल्टा रेशियो इट तो सिक्स बाई टेन जैसा मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था आउट ऑफ टोटल करेंट इज टू पॉइंट फाइव एम इसको सॉल्व करते हैं टू थ्री सिक्स टू फाइव 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 25 तो ये 1.5 एंपियर आ गया इतना करंट फ्लो किया 4 ओम में ओके करंट इन 6 ओम जिसे हम i2 बोलेंगे आ वो कितना 4/10 अपॉन हाँ 6 ओम में कितना करंट फ्लो किया इसके लिए हम 6/10 नहीं लेंगे ये 10 कहां से आया समझ में आ रहा है ना 4 प्लस 6 टोटल पार्ट इज 10 सो so 4 पार्ट्स आउट ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ 2.5 एंपियर इज दिस

ये तो कैपिटल आर हो जाएगा लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डोंट फॉरगेट दिस इंटरनल रेजिस्टेंस तो पहले हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि हमारा कैपिटल आर है वो क्या हो जाएगा उसको पहले निकालते हैं लेट इट बी आर तो वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन एट एट कहां से आया फाइव प्लस थ्री को एट कर लिया और ये टू उसके साथ पैरल में इसलिए इसको एलसीएम लेते हमारा ओके वन पॉइंट सिक्स इसको हम यहां पे लिख लेते हैं एट डिवाइडेड बाई फाइव दैट गेव वन पॉइंट सिक्स ओम ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें भूलना नहीं है वो स्मॉल आर दिया हुआ है जीरो पॉइंट फोर ओम और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है ये फॉर्मूला भी आज मैंने डिस्कस किया टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है ऑफ सर्किट जो कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है यानी वन पॉइंट सिक्स प्लस जीरो पॉइंट फोर यानी टू वन पॉइंट सिक्स प्लस जीरो पॉइंट फोर यानी टू ओम इज योर इज़ इज़ द एक्सटर्न द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट पार्ट बी में बोल रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू थ्री ओम रेजिस्टेंस सिर्फ कितना करंट फ्लो करेगा इस थ्री ओम से वो निकालना है सुनो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि टोटल करंट इस सेल से निकला कितना टोटल <laughs> करंट इस सेल से निकला कितना ये स्विच जब ऑन हुआ तो करंट यहां से कितना फ्लो करना स्टार्ट किया पहले तो वो निकालते हैं तो क्या पहले क्या निकालेंगे करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल ड्रॉन फ्रॉम सेल देखो बहुत ही कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे बड़ा इजी अभी तक जितनी चीजों मैंने बताया है उसी पर बेस्ड है तो पहले हम कितना करंट निकल रहा है टोटल करंट इन द सर्किट निकालते हैं करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल आई I, कैसे होगा एपसाइलन इज इक्वल टू आर प्लस आर इज वॉट कौन सा फॉर्मूला है सर जी अरे यही तो फॉर्मूला है इज इक्वल टू को सब्जेक्ट बना दिया तो ऐसा ही दिख रहा है कोई टेंशन तो नहीं है तो एपसाइलन कितना दिया हुआ है फोर वोल्ट देखो फोर वोल्ट मीन ई एम एफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हमने अभी भी निकाला कितना दोनों का सम टू टू ओम तो ये हमारा करंट कितना आ गया चिल्ड्रेन 2 एंपियर ये कट गया 2204 2 एंपियर इज द करंट यानी यहां से ये जो आई है ये 2 एंपियर करंट फ्लो करना स्टार्ट किया ये जो 2 एंपियर है यहां पर गया और इस पॉइंट पर पॉइंट पी पर ये स्प्लिट हो गया ये 2 एंपियर स्प्लिट हो गया दो रास्तों में कुछ पार्ट्स उसका इधर चला गया कुछ पार्ट इस 8 ओम में चला गया अब इसको तुम 8 ओम समझो दिस 5 एंड 3 इज नथिंग बट 8 ओम इजंट इट दोनों तो सीरीज में है 5 3 इज 8 तो कुछ रास्ते कुछ करंट इस टू एम्पियर का कुछ हिस्सा टू ओम में चला गया एंड कुछ हिस्सा एट ओम में चला गया मैंने अभी अभी सॉल्व किया कि पैरल में जब स्प्लिट होता है करंट किस रेशियो में होता है रेजिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में तो हम अभी निकालेंगे कि एट ओम वाले रास्ते में मतलब ये नीचे वाले रास्ते में फाइव और थ्री का कॉम्बिनेशन एट ओम इस रास्ते में कितना करंट एंटर किया करंट इन फाइव ओम प्लस थ्री ओम उसमें कितना फ्लो किया उसको निकालने के लिए कितना पार्ट्स एंटर किया टू पार्ट्स आउट ऑफ टेन कैसे टू पार्ट्स आउट ऑफ टेन अरे ऊपर वाला टू ओम है नीचे वाला एट ओम है टोटल पार्ट्स कितना है टू प्लस एट टेन एंड हम नीचे वाले रास्ते में मतलब एट ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकाल रहे हैं इसलिए हम टू डिवाइडेड बाय टेन लिख रहे हैं एट डिवाइडेड बाय टेन नहीं लिख रहे हैं तो टू डिवाइडेड बाय टेन इनटू टोटल करंट कितना है टू एम्पियर तो टू फाइव जर टेन यानी जीरो पॉइंट फोर एम्पियर जीरो पॉइंट फोर एम्पियर यहां एंटर किया क्लियर है तो यहां पर जब जीरो पॉइंट एंटर किया तो वही जीरो अब फिगर को मैं थोड़ा क्लीन करता हूं ये चीज तो क्लियर हो गया कि जीरो पॉइंट इधर एंटर किया इस टू एम्पियर करेंट का ये जो टू एम्पियर करेंट टोटल करंट है उसका जीरो पॉइंट फोर एम्पियर इधर एंटर किया बाकी का उधर टू ओम में चला गया तो ये जो जीरो पॉइंट फोर एम्पियर है वही जीरो पॉइंट फोर एम्पियर फाइव ओम से भी पास करेगा एंड वही जीरो पॉइंट फोर एम्पियर थ्री ओम से भी पास करेगा इस सीरीज में तो सेम करेंट ही फ्लो करेगा इसलिए करंट इन 3 ओम रेजिस्टर या रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.4 एम्पीयर क्लियर है 0.4 एम्पीयर इधर एंटर हुआ वही थ्रू 0.4 एम्पीयर 5 ओम से भी पास किया वही 0.4 एम्पीयर 3 ओम से भी पास किया अच्छा मान लेते हैं क्वेश्चन ने पूछा है मान लेते हैं पूछा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस इन 2 ओम रेजिस्टर मान लेते हैं कुछ ऐसा है मान लेते हैं पार्ट सी ये जो कि हालांकि पूछा नहीं है लेकिन लेट मी एड इट फ्रॉम माई साइड फाइंड दी करेंट थ्रू टू ओम रजिस्टर टू ओम से कितना करेंट फ्लो किया पार्ट सी तो टू ओम से निकालेंगे कैसे करेंट थ्रू टू ओम रजिस्टर जिसे हम चलो आई आई डैश बुलाते हैं इट इज इक्वल टू टू बाई

सिंपल तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1.6 और क्लियरली देख लो 1.6 एम्पियर गया और इस रास्ते में कितना घुसा 0.4 तो टोटल जीरो प्लस जीरो पॉइंट फोर टू एम्पियर आगे सिंपल बहुत इजी मुझे उम्मीद है तुम्हें ये बहुत यूजफुल लगा वीडियो अगर यूजफुल लगा तो मुझे बताना कि आ, कैसा लगा अच्छा और एक क्वेश्चन मैं देता हूं उसे नीचे कमेंट तुम लोग करना देखता हूं कितने बच्चे सही आंसर को कमेंट करते हैं लेट मी एड अ डी पार्ट टू द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आई एम राइटिंग द डी हियर कैलकुलेट दिस इज फ्रॉम माय साइड कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स सेल यानी क्या निकालना है टर्मिनल वोल्टेज निकालना है मतलब, कितना होगा? नीचे करना? मैं देखता हूं कितने बच्चे करेक्ट करते हैं और एक क्वेश्चन है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू ओम रजिस्टर टू ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना ये दो क्वेश्चन का आंसर नीचे कॉमेंट तुम लोग करोगे और सोल्यूशन के साथ कॉमेंट करोगे तो और अच्छा है स्टेप वाइज सोल्यूशन के साथ कॉमेंट करना थैंक यू गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सून मीट विद द नेक्स्ट वीडियो